हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ग्रीव डेट्स एंड द सुच प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता रखा था ऑफिशियली जीपीयूटी पंतनगर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, आज की वीडियो में उनको बताने वाला हूँ कैसे आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। लास्ट टाइम वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एक डेमो आप बता दो। तो आज मैं आप सभी को एक डेमो दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सभी को जीबी पंत का जितने भी कोर्सेस है यूजी पीजी पीएचडी एमसीए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप सभी के लिए 24 सेशन के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 24 एडमिशन के लिए रिलीज कर दिए। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अप्रैल से लेके टोटल 13 अप्रैल तक चलेगा। प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कितनी सीट रहने वाली, क्या सीट इस साल इंक्रीज हुई है, सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है, मैं पहले उसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। पहले जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार केयरफुली उस इंस्ट्रक्शन को आप रीड कर लो। मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी फॉर्म फिलअप कीजिए उनकी जो प्रॉस्पेक्टस होती है उसे एक बार अच्छे से रीड कर लिया कीजिए, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्योंकि दोबारा यहाँ पे चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर पाते तो बहुत सारे फ्यूचर में दिक्कत आ जाती है। देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आप लोग 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो यूजी पीजी पीएचडी एमसीए सबके लिए। पहली बात ये कि इस यूनिवर्सिटी में जो कि इंडिया नेशनल फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टडीज़ है, यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्य के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके। उनका क्या प्रोसेस होने वाला है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की फी 1200 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, ठीक है, इतना आपको आइडिया हो गया। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, बीएससी एग्रीकल्चर फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सारे कोर्सेस में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देखो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, आपके पास एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी कंपलसरी होना चाहिए। ये फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपके काउंसलिंग तक, इवन जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद भी जो प्रोसेस होगी वो आपके इसी फ़ोन नंबर ईमेल आईडी पर आएगी। तो जिस भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को फॉर्म में देना, केयरफुली देख लेना कि कौन सा है और उसे आप रख लेना। आप जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लोगे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन करके ये सारा डिटेल फिलअप करके अपना फॉर्म कंप्लीट फिलअप कीजिए। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी सीवीटी जेट क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन उदयपुर का ऑफिशियल क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इनके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको इनके सेंटर विजिट करना पड़ेगा। कोचिंग में काफी सारे फैसिलिटीज है, आप सभी बता दूं कि ये 13 साल से लगातार आईसीआर के टॉप रैंकर्स को देता आ रहा है। डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू आपकी पढ़ाई की जाएगी, डीपीपी प्रैक्टिस सेट और आप सभी को बुक्स और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कराए जाएंगे, कंप्लीट एक्सपीरियंस सीट मिलेगा। आपको बता दूं कि हर साल रॉयल कैंपस से ही आईसीआर और सीईटी के टॉपर्स बच्चे निकलते हैं। पिछले साल टॉप रिकॉर्ड रहा है, ज्यादा बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है टॉप रैंक के साथ। टॉप यूनिवर्सिटीज में 100% परसेंटाइल वाले काफी सारे बच्चे, जेट के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं, आईसीआर के ऑल इंडिया टॉपर भी यहीं से हैं। और ये केवल पिछले साल की बात नहीं, ये एवरी ईयर रहा है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन आपको टॉपर देता आ रहा है। तो जो बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको उदयपुर इनके ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, इनके एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो बच्चे हॉस्टल चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो भैया अगर किसी को इसमें ज्वाइन करना तो आप जा सकते हो, यहाँ पे 11th 12th फाउंडेशन के साथ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे एक बार जरूर चेकआउट करना। थैंक यू। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो कुछ कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। जैसे कुछ कोर्सेस में जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बीटेक का एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो देखो एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक फूडटेक एंड बीटेक बायोटेक, फूडटेक और बायोटेक को छोड़ के बीटेक एग्रीकल्चर में जो एडमिशन होता है वो आपका जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होता है। जेईई मेंस का आप एग्जामिनेशन दो, उसके बाद यूट्यूब की अपनी काउंसलिंग होती है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की, उस काउंसलिंग में बैठो, अगर अच्छे स्कोर रहेंगे तो आपको डायरेक्टली जेईई पंत में बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बीटेक फूडटेक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे देख लो क्लियर मेंशन है
कैंडिडेट अदर देन बोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ उत्तराखंड और ऑल्सो एलिजिबल टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू यूजी एंड पीजी बट देयर कैंडिडेट विल द कंसिडर ओनली अ पेमेंट सीट, यानी कि आपको पेड सीट पर एडमिशन मिलेगा। जो भी बच्चे अदर स्टेट के हैं अगर यूजी पीजी कोर्सेस में एडमिशन चाहते हैं तो वो पेड सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। पेड सीट आपको ऑफर की जाएगी, पेड सीट का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हो सकेगा तो अलग से वीडियो बना दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, ताकि आप लोग को अच्छे सोचे समझ में आ जाए। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले बता रखा था, पीजी का पीएचडी का 8 जून को परीक्षा होगी, यूजी और एमसीए के बच्चों की 9 जून को सुबह 10 बजे परीक्षा होगी। सेंटर आपका टोटल उत्तराखंड में ही रहने वाला है। यूजी के लिए 7 अलग अलग अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, श्रीनगर, ये आपके यूजी के सेंटर हैं। पीजी के देहरादून और पंतनगर में, एमसीए और पीएचडी के ये पंतनगर में एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे आप अपना सेंटर दे देना। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अपना सेंटर देहरादून और पंतनगर को ही फिलअप करें। पंतनगर चली जाती है, अच्छी बात है, आपको पहले से एक आइडिया हो जाएगा। देहरादून जाएगा वहाँ पे भी आपको अच्छे से एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं सेंटर में पंतनगर या देहरादून ही डालेंगे, मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। हमने आपको डेट बता दिया है, 13th अप्रैल लास्ट डेट है, उस तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। एप्लीकेशन फी मैंने बता दी है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। देखो पीजी में भी काफ़ी सारे सीट्स हैं, पीजी में बहुत सारे कोर्सेस हैं। इवन आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, जो भी एग्रीकल्चर कोर्स होगा वो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पंतनगर में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। पीजी में, पीजी में भी पेड सीट होती, पीजी में भी अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यूजी में भी अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यूजी की अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें एक बार देख लेना, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की उत्तराखंड के बच्चों के लिए 30 सीट है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए 26 सीट है। कम्युनिटी साइंस की 70 सीट उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 10 सीट अदर स्टेट के लिए। वेटरनरी साइंस की 65 सीट उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 24 सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए। फिशरीज की 24 सीट उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 4 सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 30 सीट है, जिसमें 15 आपका उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 15 अदर स्टेट के बच्चों के लिए। बीटेक बायोटेक में भी आपका 40 सीट है, 20 उत्तराखंड के बच्चों के लिए, 20 अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। और आप लोग अगर वेटनरी में एडमिशन चाहते हो तो वेटनरी में केवल पीसीबी वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वेटनरी में एडमिशन लेना तो वेटनरी में केवल पीसीबी वाले बच्चे, एग्रीकल्चर में पीसीबी पीसीएम सब लोग एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से फूड टेक में पीसीएम और पीसीबी दोनों एलिजिबल हैं, बायोटेक में भी पीसीएम और पीसीबी दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। बायोटेक फूड टेक में पीसीएम पीसीबी दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन वेटनरी साइंस में केवल पीसीबी के बच्चे एलिजिबल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। यूजी के जो कुछ सीट्स हैं जिनमें पेड सीट होता है उसकी कुछ एक्स्ट्रा फी होती है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे, मान लो आपका कट ऑफ अलग से कम बनता है, जब रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बाद आपको कट ऑफ क्रिएट होती है, कट ऑफ पेड सीट का अलग से बनता है और वो नॉर्मल सीट के कट ऑफ के कंपेरिजन में कम होता है। तो जो कम स्कोर वाले बच्चे होते हैं उनको इस सीट पर एडमिशन मिल जाता है। हालांकि उसका एक लॉस ये है कि आपको कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप पीएससी एसी में लोगे एडमिशन तो एक साल में 1,00,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फीसरीज में 50,000 रुपये, बीटेक फूड टेक में 1,00,000 रुपये और बीटेक बायोटेक में 50,000 रुपये पर इनम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वहीं बीबीएससी वेटनरी साइंस में 5,00,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे देना पड़ेगा, जो कि आपके फीस में एक्स्ट्रा ऐड होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी यार बता दूँ तो यूनिवर्सिटी का एक्सपेंडिचर बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, कुछ करना या मत करना, एक बार पंतनगर का फॉर्म फिलअप करके पेपर जरूर देना। लक बाई चांस अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग होती है, टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे 600 नंबर मिलते हैं। 600 नंबर में आपको टेस्ट देना पड़ता है। पीसीबी, पीसीएम और पीसी, ये 3 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। बायोलॉजी वालों के लिए पीसीबी होता है, मैथमेटिक्स के लिए पीसीएम होता है, एग्रीकल्चर के लिए पीसी होता है, जिसमें कि आपका 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का और 70 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट के, चाहे बायो हो, चाहे मैथ को, चाहे एग्रीकल्चर को, ठीक है। बाकी 30 क्वेश्चन आपका मेंटल एजिलिटी का होता है, ध्यान दीजिएगा। 30 क्वेश्चन आपके मेंटल एजिलिटी के आते हैं, मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कोर सब्जेक्ट के, वो चाहे मैथ हो सकता है, चाहे बायो हो सकता है, चाहे एग्रीकल्चर, बाकी 50-50 हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है। इतना आपको आइडिया हो गया। चलो ये हमारा एक ओवरऑल बेसिस है उसका, जिसके बेसिस पर हम अपना फॉर्म कंप्लीट फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जिस बच्चों के पास होगा जरूर अपना रिजर्वेशन अप्लाई कीजिएगा, तो रिजर्वेशन के बेसिस पे आप लोगों को बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारे वेटेज मिलते हैं। जैसे आप मान लो रिजर्वेशन में क्या क्या चीज़ है आपको बता देता हूँ। रिजर्वेशन में मान लीजिए आपका फैमिली में कोई डिफेंस सर्विस में हो, ठीक है, ठीक है, कोई आपके पेरेंट्स, कोई आपका उत्तराखंड पंतनगर में एम्प्लॉई हो, ठीक है, या फिर आप ऑर्फन चाइल्ड हो, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके पास विलेज कोटा का भी होता है, रूरल एरिया का भी सर्टिफिकेट होता है,
आपका अपना अपना स्टेट में देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बेसिस पर किसी के पास भी कोई सर्टिफिकेट हो तो जरूर से अप्लाई करना, ये आपका कोर्स ड्यूरेशन दिया गया। चलो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सबसे पहला काम है आप सभी को कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन का, ये जो आपको चीज़ें दिख रही है होम होम के बगल में कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना फोन नंबर देना, ठीक है। फोन नंबर देने के बाद आप सभी को अपना कैंडिडेट नेम, जो भी आपका कैंडिडेट नेम हो, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि मेरा कैंडिडेट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, ठीक है। चलो कुछ भी दे देना आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी मत देना, सही देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो फिर बाद में आपको ही दिक्कत हो, ठीक है भाई। चलिए तो ये मैं ओवरऑल आपको आइडिया बता दे रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है बच्चों, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। चलो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने वही बताया ना वेटेज का सीन, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी बच्चा अगर पंतनगर में पढ़ा हुआ है, पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो ठीक, नहीं तो यूजी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नो कर देना, ठीक है। सिंपल सी बात है, यूजी वाले तो पहली बार एडमिशन लेंगे। प्रोग्राम किस में अप्लाई कर रहे हो, यूजी पीजी पीएचडी एमसी एमबीए एमबीए एग्रीबिजनेस, बोथ एमबीए एमबीए एग्रीबिजनेस पीएचडी मैनेजमेंट, हम अप्लाई कर रहे हैं यूजी के लिए, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप उत्तराखंड के उत्तराखंड चूज कीजिएगा, बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हमेशा अदर स्टेट चूज करेंगे, ठीक है। अदर स्टेट के बाद आपको यहाँ पे पेपर ग्रुप चूज करना है कि आपका ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट है, जो आपका ट्वेल्थ में, जैसे कि पीसीबी वाले बच्चों के जैसे जो ट्वेल्थ में जिनका बायोलॉजी था वो पीसीबी चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका ट्वेल्थ में बायोलॉजी और आप एग्रीकल्चर से एग्जाम दो, ऐसा करोगे बाद में काउंसलिंग में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहोगे ना घर के ना घाट के। इसलिए ध्यान दीजिएगा जो आपका ट्वेल्थ में सब्जेक्ट है उसी को चूज कीजिए। मान लीजिए मेरा यहाँ पे पीसीबी था, मैंने पीसीबी चूज कर लिया, ठीक है। चलो ये कैप्चा कोड फिलअप कर लो। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपके नंबर पे यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उस यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू आपको लॉग इन करना है, ठीक है। अब कहाँ पे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, दिखाता नहीं हूँ बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो ये आपको जब कैप्चा कोड फिलअप कर लोगे तो आपका जो फोन नंबर है जो आपने वेरीफाई किया हुआ है वो ओटीपी से वेरीफाई होगा। आफ्टर देन आपको क्या करना है बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमें करना है डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म लॉगिन। चलो मैंने अपना फॉर्म अप्लाई कर लिया, अब मैं यहाँ पे न्यू लॉगिन करता हूँ। न्यू लॉगिन करने के लिए आपके पास आपके फ़ोन में देखना ना, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, वही यूजर नेम पासवर्ड आपको लॉगिन करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन कीजिएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टेप है, आपको अपने पेरेंट्स का अपना पर्सनल डिटेल, अपना प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से फॉलोअप करना है। फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड का नंबर, नेशनलिटी, जेंडर कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज, रिलीजन, फिजिकल चैलेंज हो कि नहीं हो, आपके कोई पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है कि नहीं है, आप EWS हो कि नहीं हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी दे सकते हो, व्हाट्सअप नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका एजुकेशनल डिटेल क्या है, आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, लास्ट आप किस एग्जामिनेशन में अभी तक पास आउट हो कि नहीं हो, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या चॉइस करना चाहते हो, और आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर प्लस लेफ्ट थंब का इंप्रेशन। इतनी चीज़ें आप जब कर लोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 1200 रुपये पे करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी को OBC के हो 1200 रुपये, SC ST को तो 600 रुपये पे करके आपको अपना फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर लें। जैसे ही फिलअप कर लोगे आपके पास आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उस कंफर्मेशन पेज को रखे रहो, जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा एडमिट कार्ड के बारे में, अगेन एग्जामिनेशन दीजिए, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। सो होप कि आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिए, आप सभी के साथ मैं यहाँ पे हूँ हमेशा की तरह, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे शेयर कीजिए हमारे साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो सो अगेन रिपीट कि आप लोग अपने प्रॉब्लम को जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलो पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे पंतनगर के एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे, जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको जाना एडमिशन लेने, उनके साथ या निडी बच्चों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी अपने पेरेंट्स के साथ भी जिनको नीड हो अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ चीज़ें जाननी हो, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। किसी बच्चों को दिक्कत में रिपीट कराओ, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को एंड